देश की राजधानी दिल्ली को पर्यावरण के लिहाज से स्वच्छ और हरा भरा बनाए रखने के लिए दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है वन महोत्सव, जिसे केजरीवाल सरकार ने जुलाई में हरी झंडी दी थी। इसी फहरिस्त में दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में वन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। इस मौके पर खुद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी खुद पौधारोपण कर समाज को पर्यावरण संरक्षण के प्रति एक सकारात्मक संदेश देने का प्रयास किया। इस दौरान मंच से कुछ प्रस्तुतियां भी पेश की गईं, जिसके माध्यम से भी लोगों को पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया गया। साथ ही इस दौरान मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया। इसके साथ ही दिल्ली को साफ सुथरा और हरा भरा बनाने के लिए पर्यावरण मंत्री ने लोगों से उनके दायित्व को निभाने के लिए खास अपील की और लोगों को एक शपथ भी दिलाई गई। इस कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। शपथ देता हूं कि दिल्ली के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए वन एवं वन्य जीव विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त पौधा वितरण में प्राप्त पौधे को लगाकर उसके निष्ठापूर्वक देखभाल करूंगा। मैं अन्य लोगों को भी मुफ्त पौधा वितरण में पौधे को लेने के लिए तथा उनके पौधारोपण एवं देखभाल के लिए प्रेरित करूंगा। मैं वन एवं वन्य प्राणियों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा एवं अन्य लोगों को भी नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करूंगा। जय हिंद। इस अवसर पर स्थानीय RWA के सदस्य, ईको क्लब के बच्चे और अन्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को बड़ी चुनौती बताते हुए कहा कि दिल्ली में इस साल 52 लाख पौधों को लगाने का लक्ष्य तय किया है, जिसके चलते राजधानी में जगह जगह वन महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार लगातार प्रयासरत है। इसके परिणाम स्वरूप राजधानी के प्रदूषण स्तर में कमी भी आई है और हरित क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। साथ ही इस कार्यक्रम से उन्होंने जन सहभागिता की भी अपील की। देखिए, वन महोत्सव का जो लक्ष्य है कि दिल्ली सरकार के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली को जो हरा भरा बनाने का अभियान चल रहा है, दिल्ली को जो प्रदूषण कम करने का अभियान चल रहा है, उसमें जनता की सहभागिता बनाना, और इसीलिए अलग अलग क्षेत्रों में ये वन महोत्सव आयोजित किए जा रहे हैं। आज ये छठा वन महोत्सव का आज हमने उद्घाटन किया है और आखिरी वन महोत्सव 27 अगस्त को होने जा रहा है। मुझे इस बात का भरोसा है कि जितनी बड़ी तादाद में हर वन महोत्सव में लोग क्षेत्र के आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, बूढ़े आ रहे हैं, महिलाएँ आ रही हैं, टीचर्स आ रहे हैं, RWA के लोग आ रहे हैं, मुझे भरोसा है कि आगामी दिनों में दिल्ली को और हरा भरा करने में हम कामयाब होंगे। निश्चित रूप से पिछले 8 साल में जो दिल्ली के लोगों के साथ मिलके अरविंद केजरीवाल जी ने प्रयास किया, लगभग 30% से ज़्यादा जो आंकड़े आ रहे हैं प्रदूषण कम हुआ है, लेकिन उसे और कम करना है, इसलिए ये और अभियान तेज किया गया। सर, कहीं से भी अगर कंप्लेंट आ रही है तो उस पर कार्रवाई होती है। आज अभी आपने देखा एक हेल्पलाइन नंबर पोर्टल जारी हुआ, उस पर कोई भी कंप्लेंट करेगा उस पर कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि राजधानी दिल्ली में ग्रीन कवर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन महोत्सव मनाया जा रहा है।
कार्यक्रम के तहत पौधा वितरण, पौधारोपण कर दिल्ली में हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में पौधारोपण समर एक्शन प्लान के 14 बिंदुओं में शामिल महाअभियान है, जो 9 जुलाई को पूसा से शुरू किया गया था। वन महोत्सव कार्यक्रम की कड़ी में 20 अगस्त को रोहिणी सेक्टर 16 में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए इस खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।